सर तालियां वालियां बजा दीजिए। हाँ, तालियां इसलिए बजाइए कि निकट अमरोही ने शुरू में मेरे ऊपर हमले करने शुरू किए, तेरा नंबर भी मुझे याद नहीं और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन ये भूल गई थी कि जिस आदमी को इनके बाद माइक पर फिर आना हो तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जब ये पढ़ रही थी और ये इस तरह के इल्जामात मुझ पर लगा रही थी तो मैं सोच रहा था कि इन्हें जॉल एरिया के चार मिसरे मैं इनको पेश करूंगा कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्होंने अलग अलग किरदार एक खातून के अपनी शायरी के जरिए आप तक पहुंचाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि जो हल्की फुल्की नोकझोंक है ये तो मुशायरी की वो जिम्मेदारी है कि जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग तरोताजा बने रहें, इसलिए ये बातें करनी पड़ती हैं, वरना औरत के किरदार को और औरत के हर किरदार को हमने इज्जत की नजर से देखा है। माननीय विधायक जी, जब आज की औरत हमारे घर में बेटी बनकर आई थी, हमारे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से जब वो चलती थी, हम उसे मोहब्बत भरी नजर से देखते थे और इस तरह के शेर कहते थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मेरे दोस्तों, हमने इस तरह के शेर कहे कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जब वो किरदार बहन में बदला, जब वो खातून बहन बनकर हमारी जिंदगी में थी, हम उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पर हमारी उससे नोकझोंक होती थी, लेकिन हमने अपनी मोहब्बतों का इजहार ऐसे किया कि हमने ये कहा कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। दोस्तों, वो खातून जब बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसकी मोहब्बत भरी नजर को इस तरह से अपनी शायरी का हिस्सा बनाया कि हमने कहा कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टे की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरते गिरामी, जब वो खातून मां के किरदार में थी, उसकी झुर्रियों भरे चेहरे को हम इबादत की तरह देखते थे, हम उसके कदमों में लिपटकर जन्नत का नमूना महसूस करते थे, और ये महसूस करते हुए हम इस तरह के शेर कहते थे कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरते गिरामी, सिर्फ शेर सुना के बात खत्म कर दूं ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए यहां दो बातें और शरीक करके अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। निकट ने जब वालिद के हवाले से एक बंद पढ़ा था इस नज्म का, तो उन्होंने कहा था कि वालिद साहब का मर्तबा किसी तरह से कम नहीं है। एक जुमले में मेरी बात समझ लीजिए कि जिस बच्चे को मां अपनी कोख में 9 महीने रखती है, उस बच्चे के मुस्तकबिल का बोझ एक बाप सारी जिंदगी अपनी आंखों में और अपने कांधों पर लेकर फिरता है। इससे यह समझा जा सकता है कि बाप की अहमियत क्या है। बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी जितनी बहनें वहां से लेकर यहां तक बैठी हैं, इनको शरीक करके मशवरे के तौर पर एक बात बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी तमाम बहनों से कहना चाहता हूं, और मेरे तमाम बुजुर्ग और भाई भी इसमें शरीक हों, और वो ये है कि आप जो कुछ अपनी बहू से चाहते हैं
वो खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। आप जो कुछ चाहते हैं कि आपकी बहू आपके घर में जो कुछ करे, वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो यकीन जानिए, आपकी बेटी जब किसी के घर की जाके बहू बनेगी तो उस घर को जन्नत बना देगी। किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर में आएगी तो आपके घर को जन्नत बनाएगी और ये सारी दुनिया खूबसूरत जन्नत की तरह बन जाएगी। ये गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं। और आखिर में ये बात कहते हुए कि लोग औलादों से रखते हैं, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। साथियों, हम सारी रात मुशायरे में माँ बाप की अहमियत समझाने वाले और रिश्तों की अहमियत बताने वाले शेर आपको इसलिए सुनाते हैं कि इस मजमे में हजारों की भीड़ में अगर कोई नाफरमान बेटा बैठा हो और वो मुशायरा सुनकर जाने के बाद अगर अपने बूढ़े बाप के कदमों से जाकर लिपट गया तो हमें लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई। यही कोशिश हमारी है और इस कोशिश को हम पूरा करना चाहते हैं। मदद दे दें तो दो चार शेर मैं भी अपने पढ़ के और मैं भी अपना यहाँ रिज्क हलाल कर लूं और उसके बाद में फिर अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। पढ़ूं साहब, पढ़ूं, इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर हाजिर करता हूं, विधायकी समाप्त करें। खासतौर से चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। बहुत दिनों के बाद गोला आया हूं तो यहां मुझे एक गजल अपनी सुनानी है और वो गजल मोहतरम ऐसी है कि तकरीबन 20 साल पुरानी गजल है लेकिन इन दिनों आके वो नई हो गई है तो वो चाहता हूं कि आपको सुना दूं। गजल का मतलब पेश करता हूं, समाप्त करें। कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। अब शेर सुने, दुनिया भर का मंजरनामा आपके सामने है। 50-50 मंजिल की बिल्डिंगों को जब आप जमीन पे जमींदोज होते हुए देख रहे हैं तो यहां से मेरा ये शेर सुने। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है, वो इबरत के लिए, बहुत शुक्रिया, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। हजरत गिरामी, एक गजल के चंद शेर और सुने और आपकी जहमतें तमाम। और वो गजल इस हवाले से पढ़ रहा हूं कि इसके एक एक शेर पर मुझे आपकी तवज्जो चाहिए और वो मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है,
वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हज़राते गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी दुआओं से नवाजा। अब मैं अपने उसी काम पर आ जाता हूं जिस काम की जिम्मेदारी भाई, देखिए मधुकर शहदाई जी और मधुकर शहदाई जी का मामला यह है कि अभी तक वो कन्वीनर के रोल में थे और इस वक्त तो वो सदर के रोल में भी है, तो इस वक्त कपल रोल में है, तो उनकी बात को टाला नहीं जा सकता है। सोनी भाई, एक गजल के दो शेर पढ़ने के लिए मधुकर साहब ने हुक्म दिया है, आप लोग भी सुन लीजिए, जरा ठीक ठाक अगर हो जाए तो मामला जो है वो निभा लीजिएगा। एक मतला एक शेर सिर्फ सुनाऊंगा। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई, आज फिर चाय की मेज पर, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। अब एक शेर और सुन ले। हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम में रुखसत हुआ, हाथ मेरा हवा में हिला, उससे जिस दम मैं रुखसत हुआ, मैं उसे देखता रह गया, वो मुझे देखती रह गई। मैं उसे देखता रह गया। बहुत शुक्रिया। अब जाहिर है कि नाजिम होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरों के हिस्सों का खाना भी खुद खा जाओ, इसलिए मैं हमारे दो बहुत सीनियर शोरा हैं। हज़राते गिरामी, मैं आपसे एक बात कहूं कि एक जमाना था कि हम इस तरह के शेर कहा करते थे कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबह करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। हम इस तरह के शेर कहते थे कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। हम इस तरह के शेर कहते थे कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। हम इस तरह के शेर कहते थे,
कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम, जो दुबई का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में मेरे सामने तकरीबन 2000 लोग बैठे थे और उसमें 80% लोग हिंदुस्तान से थे, तो जाहिर है कि हिंदुस्तानियों का एक भरा पूरा मजमा मेरे सामने था और हम अपने देश का गणतंत्र दिवस वहां मना रहे थे। उस मुशायरे में मुझे मुशायरा शुरू करना था तो मैंने यहां से बात शुरू की कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। ये शायर का कमाल यह है कि वो आप बीती को जगबीती बनाता है और वो आप जनाबे खुर्शीद हैदर का कलाम सुनते वक्त महसूस कर रहे थे। अब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आपसे ये कहना है कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। बात समझ में आ गई ना? अगर नहीं आई हो तो अब समझ में आ जाएगी। आंख बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ये तो समझ में आ गई ना? ये मैं उल्टी पुल्टी बातें इसलिए कर रहा हूं कि जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। गोला के अच्छे लोगों, और जाहिर है कि इस गोले पे तो सब अच्छे ही हैं। गोला के अच्छे लोगों, आपसे मैं एक बात अर्ज करूं, मदी जा रहे हैं, 5 मिनट और बैठ लेते हैं। हाँ ये तो, हाँ अच्छा, चलिए साहब, हमारे मेहमान इम्तियाज मोहतरम दानिश आजाद अंसारी साहब, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अपनी मसरूफियत के तहत तशरीफ ले जा रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस अदबी और तहजीबी सफर में हमारे साथ रहे और उन्होंने हमारे मुशायरे के वकार में इजाफा किया।